वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशा वर्मा। योगी आदित्यनाथ ने कल दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे तय किया गया था। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की खुशी में संभल जिले में मुस्लिमों द्वारा जश्न मनाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर उनकी सलामती के लिए मस्जिद में दुआ की और मिठाई बांटी। यही नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाकर खुशी का इजहार भी किया। बीते गुरुवार को योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए जाने के बाद संभल में मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम योगी की सलामती के लिए तरीन इलाके की मस्जिद में दुआ मांगी और लोगों को मिठाई वितरण किया। यही नहीं, मुस्लिमों ने आतिशबाजी और पटाखे भी छोड़े और योगी जिंदाबाद के नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। मुस्लिम हाजी असलम ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि योगी सरकार ने मुस्लिमों को तमाम सुविधाएं दी हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि योगी सरकार हमेशा रहे। ताकि मुसलमान खुश है, योगी जी ने हर कार्य बिना भेदभाव के मुसलमानों के लिए किया है। विपक्ष की कोई सुनने वाली बात नहीं है, वो गलत बोल लिया है। अगर विपक्ष सही बोलता तो आज योगी सरकार नहीं आती। दोबारा योगी सरकार जो आई है उसकी बिना यही है कि योगी जी ने मुसलमानों के बिना भेदभाव काम किए हैं, आवाज दिए हैं। भाजपा सरकार की अच्छाइयां ये हैं कि हम योगी जी ने गरीबों को विकास किया है, आवाज दिए हैं। बुजुर्ग मोहम्मद अशफाक ने भी मुख्यमंत्री योगी के काम की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम की मदद के लिए काम किया है। योगी सरकार में सरकारी योजनाओं का जितना अधिक लाभ मुस्लिमों को मिला है, अन्य किसी सरकार में इतना लाभ मुस्लिमों को नहीं मिल पाया। शासन दिए हैं, किसी सरकार ने हमें इतनी सुविधाएं नहीं दी है, बगैर भेदभाव के दिए हैं। हम मुसलमान बहुत खुश हैं इस सरकार में और हम ये चाहते हैं आने वाली जो सरकार है बड़ी वाली वो भी आवे। 2024 में वो भी हम भाजपा के लिए करेंगे, मोदी जी आएंगे उसमें भी। इसलिए वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमेशा यूपी के मुख्यमंत्री बने रहें। हमारी इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ।